I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shemaroo Me. आपने मुझे बुलाया है, आओ बाबूलो। जितना तूफान घर के बाहर है, उसे कहीं भयानक तूफान मेरे दिल के अंदर उठा हुआ है। तो इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सिर्फ तुम ही वो शख्स हो जिसकी मदद से ये तूफान हमेशा के लिए थम सकता है। साहब, मैं लोहार हूँ, सीधी चोट करता हूँ और सीधी बात समझता हूँ। आज से तकरीबन 7.5 साल पहले एक ट्रेन एक्सीडेंट में हमसे हमारा बेटा बिछड़ गया था। आओ मेरे साथ। बाबू, यही वो कमरा है जिसमें पहली बार हमारे बेटे ने आंखें खोली थी। उस मासूम की हर चीज हमने बड़े प्यार से संभाल कर रखी है। सिर्फ मेरी पत्नी ममता को विश्वास है कि हमारा बेटा जिंदा है, इसलिए हर साल वो उसका जन्मदिन मनाती है और उसके तोहफों को सहेज कर संभाल कर रखती है। लेकिन ये सब कुछ तुम मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि बाबू, मैं उस बच्चे का बाप हूं और ममता उसकी मां। जानना नहीं चाहते कि वो बच्चा कौन है? वो बच्चा ये है। बाबू, तुम्हें हमारा बेटा कैसे मिला? आपका बेटा? किस बेटे की बात कर रहे हैं आप? बनने की कोशिश मत करो, राजू हमारा बेटा है। मैं जानकर अनजान नहीं बन रहा हूं साहब। आप जानबूझकर एक खुदगर्ज की तरह मेरा बेटा मुझसे छीनना चाहते हैं। राजू मेरा बेटा है, मेरा बेटा है राजू। बाबू, मैंने राजू की तस्वीर तुम्हारे घर पर देखी है, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। राजू को देख ममता के अंदर ममता उमड़ पड़ती है, ये भी कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। जो तुम ममता की लोरी हुआ करती थी, आज वही गीत बनकर राजू की जबान पर आ गई, ये भी कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। तुम्हारा राजू हमारा खोया हुआ युवराज है। जब मेरी ममता को पता चलेगा कि उसका बेटा जिंदा है, उसे एक नई जिंदगी मिल जाएगी। अव्वल तो मेरे राजू से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बगैर मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। मेरी सांस है वो, मेरी धड़कन है वो, लेकिन वो मेरा खून है। खून? किस खून की बात कर रहे हो तुम? तुम्हारा बच्चा जब 1 साल का था तो 5 किलो का होगा, मेरा बच्चा 30 किलो का है। उसकी रगों में मेरा पसीना खून बन के दौड़ रहा है। उसके जिस्म में जो बरकत आई है वो मेरे कमाई की है, मेरे मेहनत की है। मैं देखता हूं मेरा बच्चा मुझसे कौन अलग कर सकता है। अब समझने और समझाने का वक्त गुजर चुका है। ये लो, ये सारी दौलत ले लो और अपने लिए एक लोहे की फैक्ट्री खड़ी कर दो। और ये लो ये चेक, और इसमें ऐसी रकम लिख दो ताकि तुम्हारे 7 पुश्तों तक गरीबी की हिम्मत न हो कि तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे सके। लेकिन मुझे मेरा बेटा लौटा दो, मेरा बेटा लौटा दो। Thank you.
बाप होकर बाप का सौदा करते हो। चलो हमने आपकी ये दौलत ले ली और अब हम आपकी ये दौलत वापस देते हैं। सारी जिंदगी हम आपका गुलाम बनकर जिएंगे, उसके बदले में हमें वो बच्चा वापस दे दीजिए। अरे वो बच्चा तो दूर की बात है, वो कमरे में जो पालना पड़ा हुआ है वही हमें दे दीजिए, जिसके अंदर आपकी पत्नी की ममता कूट कूट के भरी हुई है। दे सकोगे आप? दे सकोगे? To watch more of Bollywood entertainment, subscribe to Shemaroo Me now.